आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाह सनावत पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बड़वाह ब्लॉक में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले तीन आरोपियों को बड़वाह और सनावत में कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने पकड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर SDOP श्रीमती अर्चना रावत के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास के नेतृत्व में बड़वाह पुलिस थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त के दौरान चेकिंग हेतु अलग अलग टीमों का गठन कर चेकिंग की गई, जिसमें मुखबिर की सूचना पर एक टीम द्वारा जिला बदर आरोपी 33 वर्षीय संजय उर्फ संजू पिता नानूराम मंडलोई निवासी ग्राम बंजारी को उसके घर से गिरफ्तार किया और दूसरी टीम द्वारा 22 वर्षीय योगेश पिता जगदीश वर्मा निवासी नया मछली बाजार बड़वाह को उसके घर से गिरफ्तार किया। इसी प्रकार सनावत पुलिस टीम द्वारा जिला बदर यशराज को उसके घर से गिरफ्तार किया। सभी जिला बदर आरोपियों को 3 माह की कालावधि के लिए जिले और आसपास के धार, इंदौर, देवास, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने हेतु जिला दंडाधिकारी ने आदेश पारित किया था, जिसका उल्लंघन करने पर आरोपियों पर 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उक्त कॉम्बिंग गश्त में SDOP श्रीमती अर्चना रावत, थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास, उप निरीक्षक अजय कुमार झा, उप निरीक्षक डोंगर सिंह सुलिया, सहायक उप निरीक्षक कपिल अहिरवार, सहायक उप निरीक्षक अजेश जायसवाल, आरक्षक सूर्या, प्रकाश, शिवेंद्र, चेतन जाट, रवि कुमार, सेराज और सनावत पुलिस स्टाफ शामिल रहा। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में कल कॉम्बिंग गश्त रखी गई थी, जिसमें जो है सभी जिला बदर और थाना हाजर गुंडे कटना सभी की चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान जो है तीन जिला बदर डिवीजन में तीन जिला बदर को पकड़ा गया, जिसमें से बड़वाह से 2 हैं योगेश और संजय और सनावत से 1 है यशराज। जो है जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी।